लोकसभा चुनाव से पहले जहां राजनीति अपनी चरम पर है, तो भाई उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने एक ऐसी रणनीति निकाल दी है जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने अगर देखा जाए तो साफ तौर पर इंडिया गठबंधन और मायावती को शिकस्त देने का काम कर रही है। आपको बता दें, एक बड़ा वोट बैंक जो खास तौर से मायावती का माना जाता है, हालांकि उस पर ही प्रहार कर दिया है और उसको लुभाने के लिए एक नई योजना ऐसी निकाल के लाए हैं जिसका कोई जवाब नहीं। आपको बता दें, हो सकता है उस वोट बैंक का कुछ अंश इंडिया गठबंधन को भी मिलता हो, लेकिन इंडिया गठबंधन को भी अब वो अंश नहीं मिल पाएगा। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी फिर से एक नई योजना लेकर आ रही है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में योजना पर योजना आ रही है। अब उत्तर प्रदेश में न्यूनतम गारंटी कानून आएगा, वो भी सफाई कर्मचारियों के लिए। बताया जा रहा है कि सफाई कर्मचारियों का सम्मानजनक जीवन व्यतीत हो, इसको लेकर एक नई योजना आएगी जिस पर कर्मचारियों को खासा लाभ मिलने वाला है। अगर इस तरह का लाभ भारतीय जनता पार्टी देगी तो कुछ अंश का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान मायावती का होगा और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का भी होगा। उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी लगातार टक्कर देने को तैयार है, ऐसे में नई योजनाएँ कहीं ना कहीं समाजवादी की टक्कर को कमज़ोर करता भी नज़र आ रही हैं। एक से एक नई योजना को लेकर सामने आ रही प्रदेश सरकार अब कहीं ना कहीं मुसीबतें खड़ा करने का भी काम कर रही है। आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासत चरम पर है, तो वहीं मुख्यमंत्री लगातार योजनाएं ला रहे हैं और वोटरों को अपनी तरफ लुझाने का भी काम कर रहे हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश किसके खाते में अधिक सीट देता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी पुरजोर कोशिश कर रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी का बाहुल्य माना जाता है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ दिखाई देती है।